हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक। सभी विद्यालयों में इस समय लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां चल रही हैं और एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं ऐसे बच्चों की जो घर पे बैठे हुए हैं उनकी मदद कर सकूं। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएशन स्टार्ट किया है, क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट की है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, एक आध पेपर रह गया है। इसके लिए मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बताया था, स्ट्रेटजी बताई थी कि हम पढ़ाई कैसे करनी है, हमें फोकस कैसे करना है चैप्टर्स पे, कैसे पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जो कि यूट्यूब चैनल है लर्निंग बुक। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक और कमेंट दीजिए। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप बताइए। क्लास 10th और 9th में आप जो पढ़ के आए हैं उसी के बेसिस पे आज मैं पहला वीडियो लेक्चर आपका पहले चैप्टर का स्टार्ट करने चल रहा हूँ। हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 11th में वो है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा मोलरिटी के बारे में, मोल्स के बारे में आई होप, लेकिन बहुत डिटेल आप आई होप कि नहीं समझ पाए होंगे। आज मैं आपको सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमको सबसे पहले बेसिक मैटर पढ़ना है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, इसको क्लासिफाई करना है। दूसरा पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो कुछ फिजिकल पॉइंट, जैसे SI यूनिट्स क्या होती हैं, CGS यूनिट्स क्या होती हैं। इसके अलावा आप SI यूनिट और CGS यूनिट्स के अलावा आप साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ फिजिकल पॉइंट्स और देखने हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कम से कम लीस्ट एरर, परसेंटेज एरर कम से कम लाए। तो इसके बेसिस पे कुछ फिजिकल पॉइंट्स कैलकुलेशन है जो हमको यहाँ पे देखने हैं। तीसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पे आप एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके अलावा एटॉमिक मास क्या होता है, आपके अभी तक वर्डिंग पढ़ते आए, अब यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल पढ़ना है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम यहाँ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको जो बेसिक पढ़ना है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो 9th में आप पढ़ के आए हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ डिटेल में पढ़ने हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, गे-लुसैक्स लॉ क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ना है, ठीक है, लॉ ऑफ कम्बशन प्रोसेस पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो 5 या 6 लॉ है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं और पांचों पॉइंट जो पढ़ना है हमको मोल कॉन्सेप्ट, जो कि यूनिट रिप्रेजेंटेशन से है। यूनिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास परसेंटेज क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। उसके अलावा सबसे लास्ट में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है स्टैचोमेट्री। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन में हेल्प करेगा। तो आज के चैप्टर में हम जो पॉइंट स्टार्ट करने चल रहे हैं वो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। आज के पहले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मोल क्या है। इन सबको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मोल के कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोग वाई कॉन्सेप्ट या वाई चार्ट, आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसी से हम मोल की डिफिनीशन भी पढ़ेंगे। जनरली किसी से मोल की डिफिनीशन बताइए तो कहता है कि मोल इज द अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो लॉ जो है वो भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास के तरह लॉ ऑफ केमिकल अवोगैड्रो लॉ भी आएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को जनरली अवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में मोल होता क्या है हमें ये समझना है। तो मोल को समझने के लिए 4 डिफिनीशंस हैं, आइए हम सारे डिफिनीशंस को ध्यान से देखते हैं।
ये वाई कॉन्सेप्ट ऑफ मोर चार्ट है जो कि आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ देखिए हमको मोल को डिफाइन करना है, तो मोल को हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पता करने हो तो आपको अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्वेश्चन ये होता है अवोगैड्रो नंबर होता क्या है, तो 6.022 × 10³ ये आप जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ये अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है जिसको अवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो मोल क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट के वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 6.022 × 10³। तो मतलब किसी कंपोनेंट के 6.022 × 10³ एटम्स या मॉलिक्यूल्स वन मोल कहलाते हैं। एक डिफिनेशन ये आ गई। तो डिफिनेशन क्या समझ आई कि किसी भी कंपोनेंट के 6.022 × 10³ नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वन मोल। अब मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालना तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स चलना है तो एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप मोल को कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अब मास इन ग्राम की बात करते हैं, मास इन ग्राम की बात करते हैं। तो अगर मोल दिया है और मास इन ग्राम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मोल दिया है और मास इन ग्राम निकालना है किसी सब्सटेंस का, तो उसके एटॉमिक मास से या फिर अगर वो कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर रिवर्स चलना है तो एटॉमिक मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपसे कोई पूछे कि मोल क्या होता है, तो किसी सब्सटेंस का एक मोल उस सब्सटेंस के मास इन ग्राम के बराबर होता है। कब? जब वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। किसी सब्सटेंस का वन मोल, द वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मास इन ग्राम इक्विवेलेंट टू इट एटॉमिक मास, इट्स एटॉमिक मास आर मॉलिक्यूलर मास। किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का मास इन ग्राम जो होता है वो एक मोल के बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल आपसे लेते हैं कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह दिया कि 20 ग्राम कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं कि 40 ग्राम होता है। ठीक है, अब आपको मास इन ग्राम दे रखा है 20 ग्राम, तो आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम दिया है, मोल निकालना है, तो ये प्रोसेस चलेंगे। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से क्या करना, डिवाइड करना है। तो 20 अपॉन यहां पे लिखिए 40 है, तो इससे क्या करना, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 1/2 मोल्स। देखिए कितना आसान हो गया। तो किसी सब्सटेंस का अगर मैं ये डिफाइन करना चाहूं तो 40 ग्राम इज द वन मोल विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम, कैल्शियम के रिस्पेक्ट में एक मोल क्या है 40 ग्राम है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी आर एनटीपी। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी या एनटीपी पे किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कब? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मोल को वॉल्यूम में अगर डिफाइन करना है, मोल से वॉल्यूम निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वॉल्यूम से मोल निकालना है तो इससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपसे कहा कि 11.2 लीटर ऑफ कैल्शियम ये दिया है और आपसे कह दिया इसके मोल निकालिए, इसको मोल में कन्वर्ट करिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? तो आपको वॉल्यूम दे रखा है एट एसटीपी, आप इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 11.2 अपॉन क्या कर देंगे, यहां से यहां जाना है
22.4 काट दिए, कितना आ गया 1.2, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप मोल की तीन डिफिनेशन आपके सामने आती है। पहली डिफिनेशन क्या मोल की है, मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द नंबर ऑफ एटम इज 6.022×10³। दूसरी डिफिनेशन क्या है, मोल इज इक्वल टू द मास इन ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस वेयर इट्स मास इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। और तीसरी डिफिनेशन है, मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सब्सटेंस एट एसटीपी और एनटीपी एट ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, या किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम एट एसटीपी पर, एक मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी पर हमेशा कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अगर एसटीपी लिखा है तभी इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा है तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू पीवी इक्वल टू एनआरटी से रख के सॉल्व करना पड़ता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो मोल की यहाँ पे तीन डिफिनेशन आपके सामने है, इस तरीके से आप एंटर करोगे। सपोज दैट अब आपको 11.2 लीटर ऑफ कैल्शियम दे रखा था, तो आपने आपसे पूछ लिया कि इसमें 11.2 लीटर ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो क्या करेंगे, पहले आप ये स्टेप है सीढ़ी, अगर आप सीढ़ी दो स्टेप कूदेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11.2 लीटर ऑफ कैल्शियम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम देखिए यहां से यहां जाना है, 22.4 से डिवाइड करना, डिवाइड किया 1/2 आ गया, तो ये मोल हो गया। अब मोल से क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं इतने, तो 1/2 में कितने इसके आधे हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपको मास इन ग्राम दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो भी पहले मास इन ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए मोल दिया है, इससे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है उधर जाएंगे, वॉल्यूम पूछ रहा है इधर जाएंगे, मास इन ग्राम पूछ रहा है इधर जाएंगे। मान लीजिए मास इन ग्राम दिया है, इससे मोल पूछ रहा है, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे फिर मोल से इसमें कन्वर्ट जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ एटम दिया है तो नंबर, इस तरीके से आप इन सबको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करके सारे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल इस वाई चार्ट पे लगा सकते हैं। तो इस चार्ट को एक बार प्रॉपरली नोट कर लीजिए, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन इसके अवेलेबल कराऊंगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल हम अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस टॉपिक को एक बार सब देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है आपको तो उसको मार्क करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो वाई चार्ट आई होप कि मोल के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।